पिलामने आमे आज डिस्कशन करिबा आमर फिजिक्स रो जो रही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक से विषय आज डिस्कशन करिबा जोटा कि CIJSE बोर्ड एग्जामिनेशन रे आसीबार चांसेस बेसी अछि। तो चलो देखिबा के कोडा आसीबार चांसेस बेसी अछि 2024 रे। आमर प्रथम क्वेश्चन रही बोली डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट। ए रे देछि एंड ऑन पोजीशन, बी रे देछि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। चलो देखिबा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन कौन रही बोली व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, फाइंड आउट दि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एटी पिले तुम्हें विथ डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक दुईटा जाक टिके देखी देथिबो। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कौन देछि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन रही स्टेट एंड एक्सप्लेन बाय शेफर्ड्स लॉ गिव इट्स एप्लीकेशन टू सर्कुलर लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन रही डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉयल गाल्वानोमीटर विथ नीट डायग्राम, फाइंड इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी ये क्वेश्चन जाक भल पढ़ी जाइए। चलो देखिए नेक्स्ट कौन रही बिले तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिक्स्थ रे रही व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड मेंशन इट्स सेवरल लॉसेस। सेवेन्थ रे रही एक्सप्लेन एसी सर्किट कंटेन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर विथ नीट फेजर एंड ग्राफिकल डायग्राम, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एट। एट रे कौन रही ए कॉइल रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ ए नीट डायग्राम प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नाइन ए नीट रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर एंड एस्टाब्लिश द रिलेशन एमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर टेन कौन रही डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर इलेवेन। क्वेश्चन नंबर इलेवेन रे कौन रही प्रूव द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डीएम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू फॉर ए गिवन ग्लास प्रिज्म व्हेयर द सिंबल्स हैज देयर यूजुअल मीनिंग। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटम मॉडल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट चलो देखा पिले क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिस्कस हजन प्रिंसिपल प्रूव द लॉ of reflection of light using this principle. Question number 14 what is microscope derive an expression for magnifying power of compound microscope when the final image is formed at the distance of distinct vision. चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन देखि विथ ए नीट सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर शो द इनपुट एंड आउटपुट ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेट गॉस लॉ। गॉस लॉ रो एप्लीकेशन देखा पड़ो। गॉस लॉ एप्लीकेशन कौन कौन रही है आम सिलेबस रही है लॉन्ग स्टेट वेयर प्लेन सीट स्पेरिकल सेल इनसाइड आउटसाइड ये सब जाक तुमको देखा पड़ो। तो ये जो रही इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहीटा हो पिले तुम्हारो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक जदि इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि खोजा पिले ये आसवर चांसेस बेसी अच्छी तुम एग्जाम। चलो देखा क्यों क्योंटा प्रथम देखी क्यों क्योंटा आसवर चांसेस बेसी अच्छी एटा पे। क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट एंड एक्सप्लेन बाय शेफर्ड्स लॉ गिव्स इट्स एप्लीकेशन टू सर्कुलर लूप
एट ए पॉइंट ऑन ए एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप मु कहूँ पे बायसाफर्स लॉ देखि दियो बायसाफर्स लॉ रो सबु जाक एप्लीकेशन देखि दियो एठी देखि देबो एतिकी ताहले आसीबार चांसेस बेसी रहिची। नेक्स्ट तुमको कहूँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आमर रहिला एटा देख क्वेश्चन नंबर 12 राइट द पोस्ट कौन दे पे राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटम मॉडल डिराइव्स एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। मो हिसाब रे पिला माने तुम्हें पोस्टुलेट बोर पोस्टुलेट रो सबु जाक देखि दियो सबु जाक जदि देखि देबो ताहले एटा एग्जाम रे चांसेस आसीबार मेसी होची। कोन होची पिले ए क्वेश्चन टा जदि देखिबा प्रीवियस क्वेश्चन हिसाब रे जदि मैचिंग करिबा ताहले एटा बारंबार रिपीट होउची दुई वर्ष रे थरे रिपीट होची तो एथि रे आसीबार चांसेस बेसी अच्छी तो एटा भलो रे देखि कि दिबो। आउ नेक्स्ट केमटा इंपोर्टेंट रहिची पिले नेक्स्ट इंपोर्टेंट रहिची हमरो एटा क्वेश्चन नंबर जो 15 रही पिले विथ ए नीट सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सो द इनपुट आउटपुट ग्राफिकली। मुझे जो तुमको कहबि पिले तुम प्रथम बोर्स मॉडल को भल देखि दियो बोर्स मॉडल रु आसीबार चांसेस बहुत रही। सेकेंड रे तुमको बायसाफर्स लॉ देखि दियो तार सब एप्लीकेशन जाक देखि दियो जोटा कि भी एग्जाम आसीबार चांसेस बेसी। थर्ड रे फुल वेव रेक्टिफायर जोटा रही सहीटा भी तुम्हें भल देखि दियो ये तीन टा बेसी इंपोर्टेंट रही किंतु बाकी सब जाक देखिबो ता सहित ए तीनोटी को बेसी इंपोर्टेंट देखि देखिबो एटा आसीबार चांसेस बेसी रही। ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।